तो संजीव चावला को भारत लाया गया है, इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है दिल्ली क्राइम ब्रांच, आप बोले चलते क्या कुछ कह रही सुनाते हैं। 7 जनवरी 2019 को डिस्ट्रिक्ट जज वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने संजीव चावला को एक्सट्रेडिट करने के लिए रिकमेंड कर दिया गया है। उसके बाद फिर संजीव चावला इसके खिलाफ भी फिर इसने एक लीव फॉर अपील करके इसने हाई कोर्ट में पहले वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ही डाला था, उसके बाद अपील किया गया था हाई कोर्ट में वेस्टमिंस्टर जज के एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स के खिलाफ। बीच में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूके ने ऑलरेडी एक्सट्रेडिशन ऑर्डर भी इश्यू कर दिया था, और जब ये इसके खिलाफ भी ये डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस लंदन में चला गया था, तो 23/1/2020 क्वींस बेंच ने वो परमिशन भी रिफ्यूज़ किया। उसके बाद इसने उस ऑर्डर के खिलाफ यूरोपियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स फ्रांस में है वहाँ पे फिर इसने अपील डाला था, लेकिन वहाँ पर भी इसको कोई राहत नहीं मिली। तो हमारी टीम, हमारे कमिश्नर साहब ने एक टीम को लगातार इस मैटर को परस्यू करने के लिए नॉमिनेट किया गया था, और सब उसमें मैं और इंस्पेक्टर गगन भास्कर, इंस्पेक्टर केशव माधुर, हम दो बार लंदन गए थे। 16 जनवरी को बहुत बड़ा वहाँ पे हियरिंग हुआ था क्वींस हाई कोर्ट बेंच में, और लगातार तीन घंटे वहाँ पे बहस हुई थी इनके ग्राउंड्स के ग्राउंड्स के ऊपर। उसके बाद डबल जजमेंट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है उस अपील को, उस संजीव चावला का। उसके बाद ये दोबारा फिर हम दोबारा अभी 9 तारीख को गए थे, और 12 तारीख को हमको मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन ने एयरपोर्ट हेथ्रो, लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट पे हमको उनका संजीव चावला का कस्टडी दे दिया था। उसके बाद हम आज इसको यहाँ पे लेके आए, और आज ACMM कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, और आज हमको 12 दिन का पुलिस कस्टडी मिली है। इसमें आप देखें तो लगातार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शुरू से लेके आज तक कोई भी एक दिन नहीं था इसको परस्यू नहीं किया गया था, हर एक दिन इसको परस्यू किया गया था विद द एक्टिव एंड कंप्लीट सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड हाई कमीशन ऑफ इंडिया एंड यूके हाई कमीशन इन लंदन, यूके सेंट्रल अथॉरिटी बोलते हैं, और एट द सेम टाइम ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ क्वींस डिवीजन बेंच लंदन। तो अभी हमारी तफ्तीश जारी है, आगे और कोई भी डिटेल्स आपको सामने हमारे सामने आएंगे तो आपको हम शेयर करेंगे। ओके, we have, we will during the investigation we will check. सर आपने 12 दिन की कस्टडी मांगी थी, 12 दिन की मिली है, 12 दिन में इससे क्या क्या और कहां कहां लेकर जाकर पूछा था? अभी हम इसमें कई प्लेसेस विजिट करवाना है इनको, जो भी वहां पे ये अभी देखिए ऐसा है, आज तक इसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया है, आज पहला दिन है। कल जैसे ही हमको वहाँ से हम लेके आए थे, तुरंत हमने आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था हमने, और जो भी अभी इसको इंट्रोगेशन करना है, इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है तभी हमको पता लगेगा। That is there in the press release that we are giving. In that sense, all those assurances regarding the cell, etc. तो साफ तौर पर क्राइम ब्रांच का कहना है कि 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 12 दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से मिली, तो 12 दिन पूछताछ करेंगे, उसके बाद जो कुछ बातें हैं वो निकल कर सामने आएंगी।